स्पेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 और समिट में करेंगे शिरकत। G20 समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होगा मंथन। महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में एक बार फिर गूंजेगी भारत की आवाज। स्वच्छ ऊर्जा पर होगी बात। ग्लासगो मीटिंग में PM गिनाएंगे भारत की उपलब्धियां। आज शाम 5:30 बजे इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 और 2 अक्टूबर को ब्रिटेन का दौरा। आज जेल से हो सकती है शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई। मन्नत में स्टार्किट के स्वागत की हो रही है तैयारी। जमानत के बाद भी जेल में गुजरी आर्यन खान की रात। रिहाई के लिए बेल ऑर्डर का इंतजार। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल। 3 की कानूनी जिरह के बाद मिली राहत। आर्यन खान को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। देश से बाहर जाने पर रोक। आरोपियों से आपसी संपर्क की भी मनाही। हाईकोर्ट में NCB के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका के किया विरोध। ASG बोले लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था आरोपी। आज लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मेरा परिवार भाजपा परिवार कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश। ललितपुर में आज किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी। खाद की कमी से जूझ रहे कई किसानों ने गवाई है जान। प्रियंका गांधी ने ललितपुर जाते वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कूलियों से की बातचीत। कहा, महामारी के दौरान सरकारी उपेक्षाओं के हुए शिकार। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा। कहा, आपकी सरकार बनी तो 1 अप्रैल के बाद किसानों को नहीं करनी पड़ेगी आत्महत्या। मानसा में किसानों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आज बठिंडा में करेंगे चुनावी सभा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किसानों और पुलिस के बीच बनी सहमति। टिकरी बॉर्डर खाली। NH9 की सफाई जारी। 10 महीने पहले किसानों को रोकने के लिए बनाए गए बड़े चाला और डिवाइडर को हटाने की कवायद। सबसे पहले इमरजेंसी रूट देने की कोशिश। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में CM योगी की कड़ी चेतावनी। देशद्रोह का केस चलाने का दिया निर्देश। उत्तरी त्रिपुरा में VHP रैली में हिंसा के बाद काबू में है हालात। पूरे इलाके में लगाई गई धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल एम्स में ईस्टर्न डॉक्टरों की हड़ताल। कोविड भत्ता नहीं देने को लेकर नाराजगी। मेरठ में स्वच्छता का संदेश देने पहुंचे मंत्री। महंगे पेट्रोल डीजल के सवाल पर भड़के। कहा, सिर्फ साफ सफाई पर होगी बात। जेल में बंद आजम खान की बहू विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। कहा, ससुर जी हां का इंतजार। बिजनौर में किसानों ने रोकी शिवपाल यादव की परिवर्तन यात्रा। अपने साथ धरने पर बिठाया। गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए BSP को चाहिए प्रबुद्ध वर्ग का साथ। मिशन चक्रव्यूह के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बढ़ रहे संक्रमण को देखकर यूपी सरकार सतर्क। घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की तलाश के आदेश।